हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। अब देखिए, आज के क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब आपको अगर हायरार्की के बारे में मैं बताऊँ तो सेल्स आपने पढ़ रखा है, टिश्यूज़ में हमने एपिथेलियल टिश्यू कम्प्लीट कर लिया था, नेक्स्ट था आपका कनेक्टिव टिश्यू, वो भी कर लिया था हमने, एंड द नेक्स्ट कम्स योर मस्क्यूलर टिश्यू। अब आपका जो मस्क्यूलर टिश्यू होता है दैट इज स्पेसिफिकली ऑफ थ्री टाइप्स। पहला है आपका स्केलेटल टिश्यू, दूसरा है आपका स्मूथ मसल टिश्यू, तीसरा है आपका कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, तो आपका जो पहला था स्केलेटल मसल टिश्यू, हमने वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट योर स्मूथ मसल टिश्यू और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको स्केलेटल मसल टिश्यू क्लियर था। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर स्मूथ मसल टिश्यू। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट योर स्मूथ मसल टिश्यू। डायग्राम में और आपके हैंड रिटन कॉपी पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्मूथ मसल टिश्यू, अगर आपको याद हो तो स्केलेटल मसल टिश्यू जो था दैट वाज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इनसाइड द बॉडी ऑफ योर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्मूथ मसल टिश्यू की, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कंट्रोलिंग योर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ बॉडी सिस्टम। इस लाइन का क्या मतलब? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, वो मूवमेंट्स जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। स्केलेटल मसल में हमने क्या बोला था? वो मूवमेंट्स जो कि हमारे कंट्रोल के अंडर होते हैं, मतलब जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, उसको कंट्रोल करता है आपका स्केलेटल मसल टिश्यू। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका स्मूथ मसल टिश्यू, ये मदद करता है आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में। कहाँ पे? आपके बॉडी सिस्टम्स के अंदर। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगला, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स का मतलब, अब देखिए वहां पे हमने बात की थी कि जो मसल है, मसल का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेशंस होते हैं, एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, ऐसा होता था, लेकिन इनके अंदर ऐसे स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप नीचे एक सेल का डायग्राम देखें, स्मूथ मसल को बनाने वाले सेल का, तो कहीं पे भी आपको स्ट्रेशंस दिख रहे हैं? नहीं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले मसल्स जो होते हैं उसमें स्ट्रेशंस नहीं प्रेजेंट होते, इसीलिए हम इन्हें अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। मतलब ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं प्रेजेंट होते, स्ट्रेशंस नहीं प्रेजेंट होते, इसीलिए दे आर नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अब आप थोड़ा कंपेयर कीजिए स्केलेटल मसल से, जस्ट अलग इसके सारे फीचर्स हैं। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पर ज़रा ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? तो स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप मतलब सेंटर वाले एरिया में थोड़ा सा ब्रॉड, और जैसे जैसे ये बाहर की तरफ निकलता जाएगा ये टेपर होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पॉइंटेड होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है हमने, स्पिंडल शेप्ड सेल्स, इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में भी हमने लिखा है, थिन पतला, साइड से इलोंगेटेड खिंचा हुआ। ठीक है, खिंचा हुआ, इलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये डेफिनेशन ऑफ स्पिंडल शेप्ड सेल्स क्लियर है। ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ठीक है, अब याद करिए जो स्केलेटल मसल वाला था दैट वाज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, दैट वाज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे जो सेल्स जुट के आपके स्मूथ मसल टिश्यू को बनाते हैं वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब क्या? उसमें स्पेसिफिकली एक ही न्यूक्लियस का प्रेजेंस होता है। ठीक है, अब चूंकि हम इन्हें अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते थे तो इसीलिए नो स्ट्रेशंस प्रेजेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्ट्रेशंस प्रेजेंट, कोई स्ट्रेशंस नहीं है, कोई डार्क और लाइट बैंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला जो पॉइंट है हमने ऑलरेडी कर रखा है इसी चैप्टर के शुरुआत में, सेल जंक्शंस। हमारे पास तीन टाइप के सेल जंक्शंस थे, एक था आपका सेल जंक्शन और सेल ब्रिज।
ठीक है, जो कि दो सेल्स को कनेक्ट करते थे और एक टिश्यू का फॉर्मेशन करते थे। एक था टाइट जंक्शन, एक था गैप जंक्शन और एक था एडहियरिंग जंक्शन। ठीक है, तो यही सारे सेल जंक्शंस इन स्मूद मसल टिश्यूज़ को साथ में होल्ड करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर। ठीक है, डायग्राम पे ध्यान दीजिए, पॉइंटेड है, टेपर्ड है साइड में, ठीक है, और सेंटर में एक ही न्यूक्लियस है, और इस टाइप के शेप को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स। अगला देखिए फंक्शन। अब ये हमारे कंट्रोल में ये मसल्स क्यों नहीं है? मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखिए, आप जो खाना चबाते हैं मुंह वाले एरिया में, वो आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन जैसे ही आपने उसे इनगल्फ किया, स्वेलो किया, ईसोफेगस वाले एरिया से जितना भी वो अंदर जाता जाएगा, आपका कोई उस पर कंट्रोल नहीं होगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? स्मूथ मसल टिश्यू के। तो मूवमेंट ऑफ फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किस किस हिस्से में? एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक एंड योर इंटेस्टाइन। ठीक है, इन सारे पार्ट्स में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है आपके फूड के ऊपर। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन देखिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, क्या आपका उस पर कोई कंट्रोल होता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको स्मूथ मसल्स क्लियर हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट अपने थर्ड टाइप ऑफ मसल्स के ऊपर चलेंगे, जो कि हमारे लास्ट मसल्स हैं, एंड दैट इज योर कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे हमारे स्मूथ मसल्स को कंप्लीट करने के बाद, नेक्स्ट विल स्विच टू कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स नाम से आपको क्या क्लियर होता है, कहाँ प्रेजेंट होंगे ये? तो स्पेसिफिकली दे विल बी प्रेजेंट इन योर हार्ट। ठीक है, हार्ट के वॉल्स वाले एरिया में ये प्रेजेंट होंगे। तो हार्ट में प्रेजेंट होंगे, बस हार्ट में प्रेजेंट होंगे, बॉडी के और किसी पार्ट में नहीं प्रेजेंट होंगे। इसीलिए इन मसल्स को हम कहते हैं हार्ट मसल्स। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो नोन एज हार्ट मसल्स। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो पहला पॉइंट है वही है, दे आर टर्म्ड एज हार्ट मसल्स। ठीक है, तो इनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है। क्या यूनिक कैरेक्टर होता है इनका? यूनिक मसल्स फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ये मैंने जो अभी आपको समझाया था कि और ये कहीं भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये बस स्पेसिफिकली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और इसका यही यूनिक कैरेक्टर होता है, अलग सा कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये और आपको शरीर में कहीं नहीं मिलेंगे, बस हार्ट वाले पार्ट में मिलेंगे, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज कार्डियक मसल्स और हार्ट मसल्स। ठीक है, चलिए अब ज़रा स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ स्ट्रक्चर्स बॉडी के, मतलब इसके कुछ पार्ट्स या कुछ फीचर्स मैच करते हैं आपके स्केलेटल मसल्स से, और कुछ फीचर्स इसके मैच करते हैं विथ योर स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो इसकी भी बात हम आगे करेंगे कि कौन से फीचर्स हैं जो कि हार्ट मसल से मैच करते हैं, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपके कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स से मैच करते हैं। तो पहला पॉइंट पे ध्यान दीजिए, फ्यू सिमिलैरिटीज विथ स्केलेटल मसल्स वेयर एज फ्यू अदर्स विथ स्मूथ मसल्स। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। कुछ स्केलेटल मसल से मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्मूथ मसल से मिलते जुलते। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट देखिए इसके बाद वाला, स्ट्रेशन सीन। ठीक है, स्ट्रेशंस होते हैं। ठीक है, स्ट्रेशंस वैसे होते क्या हैं? प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, एक बार डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट एंड सो ऑन, इसी को हम स्ट्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेशंस होते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखिए स्ट्रेशंस होंगे, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, उनका स्ट्रक्चर उनका फीचर उतना प्रोमिनेंट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि ये वाला फीचर इसके स्केलेटल मसल से मैच करता है, नहीं। लेकिन हाँ, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ मिलता है स्केलेटल मसल से, क्यों? क्योंकि स्ट्रेशंस प्रेजेंट हैं। अगला, यूनिन्यूक्लिएट, ये फीचर किसका था याद करिए? ये फीचर था आपके स्मूथ मसल्स का। तो डायग्राम में देखिए यूनि न्यूक्लिएट, हर एक सेल का अपना एक पर्सनल न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को हम कहते हैं यूनि न्यूक्लिएट। ठीक है, अब देखिए ये प्रेजेंट होते हैं आपके हार्ट के अंदर, तो क्या आप अपने हार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं।
क्या होता है, हार्ट बीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तब तो किसी को हार्ट अटैक ही नहीं आता कभी, ठीक है। तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसको बनाने वाले जो मसल्स होंगे वो किस टाइप के मसल्स होंगे, दे विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अगला, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। अब देखिए, ये जो मसल्स हैं इनको पंप करना होता है ब्लड को, किसको, ब्लड को, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों ही करना होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, ठीक है, तो ये कौन करेगा हार्ट के अंदर, ये जो कार्डियक मसल्स हैं या तो ये जो हार्ट मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, तो यही हेल्प करेगा किस चीज़ में, ये हेल्प करेगा इन द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का पंपिंग एक्शन क्या होता है, वो ब्लड को आगे पंप करता है, ठीक है। तो यही नेचर ऑफ योर कार्डियक मसल्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द पंपिंग नेचर ऑफ हार्ट। अब चलिए ज़रा हम ध्यान दें डायग्राम के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं तो ये जो मसल्स होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, दिख रहे हैं आपको ब्रांचेस, टहनियाँ अलग अलग ब्रांचिंग दिख रही है। अब पर्सनली आप देखिए, स्ट्रेशंस आपको कहीं कहीं दिख सकते हैं लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं, हमने डॉटेड बनाया है। जब कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट नहीं होती तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से करते हैं, तो दिख रहा है आपको डॉटेड है, ठीक है, इसलिए इतने प्रोमिनेंट नहीं है। और अपना हर एक सेल का एक न्यूक्लियस है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन, ठीक है। सो आई होप कि आपको कार्डियक मसल जो है वो क्लियर है, ठीक है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपके नर्वस टिश्यू के बारे में, नर्वस टिश्यू का फीचर क्या है, काम क्या करते हैं और उसके अंदर कौन कौन से सब पार्ट्स आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है विथ योर मस्कुलर टिश्यू। अब देखिए, आपका जो लास्ट टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज योर नर्वस टिश्यू, अब हम उस पर आ चुके हैं, तो अब हम देखने वाले हैं द नर्वस टिश्यू ऑफ योर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू जो है ये मेन पार्ट बनाता है, मेन कॉम्पोनेंट फॉर्म करता है आपके नर्वस सिस्टम का, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा याद करें, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यूज़ जो कि साथ मिलके आपके ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, यही नर्वस टिश्यू जो साथ मिलके आपके स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कुछ न्यूरॉन्स, ठीक है, और कुछ पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ये साथ मिलके आपके नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें तो इस नर्वस टिश्यू को का काम क्या होता है मेन बॉडी में, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू का काम मेन ये होता है आपके बॉडी में कि इसका ये फंक्शन है कि ये भापे एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई समझते हैं क्या होता है, कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंट जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस के खिलाफ जो हम रिएक्शन देते हैं, जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, ये सारा कुछ कौन कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के अंदर, ये सारा कुछ कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के अंदर योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है, इस नर्वस सिस्टम का मेन कॉम्पोनेंट बनाता है, ठीक है। तो इस नर्वस टिश्यू को बनाने वाले, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू बनाता है आपके नर्वस सिस्टम को, मेन कंपोनेंट है, और इस नर्वस टिश्यू को बनाने वाले मेन सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप यू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम, इस नर्वस सिस्टम को बनाने वाले जो मेन सेल्स होते हैं दे आर नोन एज नर्वस सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। इसको बनाने वाले जो मेन सेल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो अगला हम क्या बात करने वाले हैं, हमने ऑलरेडी ये कर रखा है, ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हम देखेंगे, ठीक है, लेकिन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स, ठीक है, सब पार्ट्स और बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट द टू मेन पार्ट्स ऑफ योर न्यूरॉन इज द सेल बॉडी और योर साइटॉन, ठीक है, एंड योर एक्सॉन, ठीक है, और कुछ एक्सटेंशंस होते हैं आपके एक्सॉन से भी, साइटॉन से भी, सारा कुछ से,
लेकिन ये जो दो मेन पार्ट्स हैं यही मिलके साथ में क्या बना देते हैं आपका, ये साथ मिलके बना देते हैं आपका न्यूरॉन। ठीक है, सो आई होप कि यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन। चलिए तो फिर हम कोशिश करते हैं आपके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा से जानने की। ठीक है, तो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो दिख रहा होगा सामने आपके न्यूरॉन का। ठीक है, तो जो आपका ऊपर वाला पार्ट है जिसमें आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है, उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उस वाले पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी और योर साइटॉन। ठीक है, अब इसी सेल बॉडी और साइटॉन से आपको कुछ एक्सटेंशंस निकलते हुए दिख रहे होंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो उन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, उन एक्सटेंशंस को हम कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, अब बीच में आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है, अब इसी सेल बॉडी से एक लॉन्ग ट्यूब या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, साइटॉन से निकलता हुआ, सेल बॉडी को ही हम साइटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी से निकलता हुआ आपको लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, और उसके ऊपर जो आपको कैप्सूल्स दिख रहे हैं दे आर नोन एज योर नोड्स ऑफ रैनवियर और योर माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बीच बीच में जो स्पेसेस उनको हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं, और ये एक्सॉन जाके जहाँ एंड होता है उसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको डायग्राम यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब अगर हम लिखें बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, अगर आपको एग्जाम में आया बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम, तो आप क्या आंसर करेंगे, नर्व सेल और योर न्यूरॉन। ठीक है, अगला इसके तीन मेन पार्ट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो मेन पार्ट्स होता है, लेकिन अगर आप बात करें कि फंक्शनली तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका साइटॉन, दूसरा होता है आपका डेंड्राइट्स और तीसरा होता है आपका एक्सॉन। ठीक है, सब पार्ट्स मैंने कहा बहुत सारे होते हैं, बट स्टिल दीज थ्री आर द मेन फंक्शनल पार्ट्स। ठीक है, तो पहला हम लेंगे साइटॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि साइटॉन का दूसरा नाम हम क्या लिखेंगे, साइटॉन का हम दूसरा नाम लिखेंगे सेल बॉडी। ठीक है, साइटॉन देखिए डायग्राम में कहाँ है, ऊपर जो मेन पार्ट है जिसके अंदर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है वही है आपका साइटॉन और योर सेल बॉडी। तो क्या लिखा है हमने, साइटॉन और योर सेल बॉडी। ठीक है, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस सेंटर वाले पोर्शन में दिख रहा है वेल डिफाइंड सा। ठीक है, तो अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, अगला पॉइंट, अब इस सेल बॉडी के अंदर या इस साइटॉन के अंदर जो आपका साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, तो आपका जो साइटोप्लाज्म होगा इस सेल बॉडी के अंदर या इस साइटॉन के अंदर, इसके अंदर कुछ और पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे निसल्स ग्रैन्यूल्स और योर न्यूरोफाइब्रिल्स। ध्यान से देखिए डायग्राम में, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, कुछ ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, निसल्स ग्रैन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स जस्ट बिकॉज द फाइबर्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ योर नर्व सेल। ठीक है, अब सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, दैट इज योर डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स में अगर हम देखें तो दे आर शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो लॉन्ग, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि साइटॉन में से जो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे एक्सॉन, और इसी साइटॉन में से जो शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे डेंड्राइट्स। ठीक है, तो जो शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं आपके सेल बॉडी में से या साइटॉन में से, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। तो दे आर शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम योर साइटॉन, साइटॉन से निकलता हुआ। इसका काम क्या होता है, क्योंकि देखिए सबसे बाहरी सतह पे क्या प्रेजेंट है आपका, आपका डेंड्राइट प्रेजेंट है सबसे बाहरी सतह पे, सबसे बाहरी लेयर में। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, इसका मेन काम होगा इट हेल्प्स इन रिसीविंग इम्पल्सेस। इम्पल्सेस मैंने आपको बताया था जो एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं जिसके खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है या रिएक्शन देती है। ठीक है, तो दे रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम आउटसाइड एंड पास टू द साइटॉन।
देखिए डेंड्राइट आपका इम्पल्सेस रिसीव करेगा और उसको कहाँ पास कर देगा, नेक्स्ट आपके साइटॉन की तरफ पास कर देगा, ठीक है। फिर साइटॉन क्या करेगा, एक्सॉन में पास कर देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर है एंड आई होप कि आपको पहले दो पार्ट्स यहाँ पे क्लियर हैं, क्योंकि अब हम लेने वाले हैं आपके नेक्स्ट हैंड रिटन कॉपी के अंदर द थर्ड मेन पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन एंड दैट इज योर एक्सॉन, ठीक है। अब देखिए जो आपके दो पार्ट्स थे मेन आपके नर्व सेल के, द फर्स्ट वन वॉज योर साइटॉन एंड द सेकेंड वन वॉज योर डेंड्राइट्स। अब आपका जो तीसरा पार्ट है दैट इज़ योर एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था जो शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपके साइटॉन से निकलते हैं दे आर नोन एज डेंड्राइट्स, और जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं आपके साइटॉन में से उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम एक्सॉन, ठीक है। तो देखिए अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम साइटॉन, ठीक है। अब इसका और जो उसके फीचर्स हैं, हैज़ ब्रांचेस, फाइब्रस ब्रांचेस एट देयर एंड दैट आर कॉल्ड एक्सॉन एंडिंग्स और एक्सॉन बल्ब्स, ठीक है। अंत में फाइनल जो फिनिशिंग पॉइंट होता है वहाँ पे कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स या कुछ ब्रांचेस आपको दिखेंगे, उन्हें हम क्या नाम देंगे, उन्हें हम नाम देंगे योर एक्सॉन एंडिंग्स, ठीक है। अब एक्सॉन एंडिंग्स का काम क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सॉन एंडिंग्स आर ऑफ वन न्यूरॉन आर लूजली प्लेस्ड ऑन साइटॉन ऑफ अदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का मान लीजिए एक्सॉन है, वो कहाँ पे प्लेस्ड होगा, वो दूसरे न्यूरॉन के साइटॉन के ऊपर प्लेस्ड होगा, ठीक है। इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से ये होगा कि मदद मिलेगी इन ट्रांसमिशन और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। ये हेल्प करेगा इन ट्रांसमिशन और कंडक्शन ऑफ योर इम्पल्सेस, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, साइनैप्स कनेक्शन दैट आर लूज आर बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। अब देखिए साइनैप्स क्या होता है, वो वाला कनेक्टिंग पॉइंट जो कि दो नर्व सेल्स के बीच में होता है, ठीक है। तो ये साइनैप्स होता है, दिस इज़ द कनेक्शन एंड इट इज़ लूज एंड इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम ये होता है एक्सॉन का, इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम साइटॉन, ठीक है। अब देखिए आपका इम्पल्स कैच किसने किया, डेंड्राइट्स ने किया, वो इम्पल्स कहाँ गया फिर, साइटॉन में गया या फिर सेल बॉडी में गया। अब सेल बॉडी से वो इम्पल्स कहाँ आया, एक्सॉन में आया, एक्सॉन से कहाँ गया, एक्सॉन एंडिंग्स में आया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये इम्पल्स आगे बढ़ता जा रहा है, आपको ये चीज़ फील हो रही है कि ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ है ये पुश होता जा रहा है दूर की तरफ, किससे दूर, साइटॉन से दूर या तो आपके सेल बॉडी से दूर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस अवे फ्रॉम योर साइटॉन, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे सब पार्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द इम्पल्स कंडक्शन, कैसे इम्पल्स जो हैं वो कंडक्ट होते हैं आपके नर्व सेल के अंदर, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है अगर, तो वो डिटेक्ट कैसे होगी और वो इम्पल्स जो है आगे की तरफ कंडक्ट पास ऑन कैसे होगा एक नर्व सेल के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए एक प्लग है, सॉकेट है, आपने वहाँ पे हाथ डाला, करंट लगा, ठीक है, करंट लगा तो उसको भांपा किसने, सेंसरी ऑर्गन्स ने। सेंसरी ऑर्गन वहाँ पे कौन होगा, वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन होगा आपका स्किन, ठीक है, उसने भांपा उसे, स्किन ने उसे आगे पास कर दिया टू द डेंड्राइट ऑफ योर नर्व सेल, ठीक है, डेंड्राइट में पास हो गया। अब उस डेंड्राइट ने उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पास कर दिया, उस डेंड्राइट ने उस इन्फॉर्मेशन को पास कर दिया इनटू योर साइटॉन और योर सेल बॉडी, ठीक है। अब उस सेल बॉडी ने कहाँ पास किया, एक्सॉन में पास किया, एक्सॉन से पास होता हुआ वो कहाँ पहुँच गया, एक्सॉन बल्ब्स में पहुँच गया या तो एक्सॉन एंडिंग्स में पहुँच गया, ठीक है। एक्सॉन एंडिंग्स में पहुँचते ही, ठीक है,
नर्व एंडिंग्स, एक्सॉन एंडिंग्स, वहाँ पे उसे जाके क्या मिला, वहाँ पे उसे जाके मिला साइनैप्स। ठीक है, अब साइनैप्स का काम क्या था? साइनैप्स का ये काम था कि वो मदद करे उस इम्पल्स के ट्रांसमिशन में फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल। ठीक है, तो साइनैप्स ने क्या किया, उसे कैरी किया टू अदर नर्व सेल। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग नर्व सेल्स ने उस इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी किया। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो काम था, करंट जो लगा, आपको हाथ पीछे खींचना है आपको तुरंत, तो ये वाला मैसेज कहाँ जाएगा? इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी आपके नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ये मैसेज कहाँ जाएगा? नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स और आपके नर्वस सिस्टम की मदद से स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। ठीक है, तो ताकि तुरंत रिएक्शन आ सके, क्योंकि ज़्यादा समय के लिए आपने हाथ अगर वहाँ छोड़ दिया तो बहुत ही डेडली हो सकता है रिएक्शन। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा किसकी मदद से? सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से। ठीक है, वहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाएगी और आपके स्पाइनल कॉर्ड से वो न्यूरॉन्स, किन न्यूरॉन्स से वापस आएगा? मोटर न्यूरॉन्स से। मोटर न्यूरॉन्स उनको पास करते हुए, लेते हुए कहाँ पहुँचेंगे? उसी हाथ के पास जहाँ से मैसेज गया था। और वहाँ पर मैसेज क्या आएगा कि हाथ को पीछे खींचना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से और ज़रा हम इस फ्लो चार्ट को देख के समझते हैं। स्पेशलाइज टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स इन द सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखिए कुछ टिप्स होते हैं, स्पेशलाइज टिप्स, इनका काम क्या होता है, स्पेशलाइज फंक्शन क्या होता है, इनका काम ही यही होता है कि इस इम्पल्स को या इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी करना। तो स्पेशलाइज टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स इन द सेंसरी ऑर्गन्स, ये क्या करते हैं? मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो कोई मैसेज था, जैसे कि आपका करंट वाला मैसेज था, वो किसने भापा था? आपके स्किन ने भापा था। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन्स के ही जस्ट पास में कुछ न्यूरॉन्स होंगे, कुछ नर्व सेल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे बाहरी हिस्से में क्या प्रेजेंट होगा? स्मॉल थ्रेड्स जो कि आपके साइटॉन से बाहर आते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते थे। ठीक है, तो उससे क्या बाहर आता था? डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट से होता वो इम्पल्स या वो मैसेज कहाँ पहुँचता होगा? साइटॉन में पहुँचता होगा। ठीक है, अब साइटॉन वो मैसेज किसको पास करेगा? एक्सॉन को पास करेगा। ठीक है, और एक्सॉन से होता हुआ वो मैसेज कहाँ जाएगा? एक्सॉन एंडिंग्स में जाएगा। और एक्सॉन एंडिंग्स से, ठीक है, वहाँ पे कितनी दूरी है दोनों नर्व सेल्स के बीच में उस पर डिपेंड करेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्सॉन एंडिंग से फिर वो मैसेज इम्पल्स सिनेप्स को क्रॉस करेगा और वो अलग दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंच जाएगा। तो ये डायग्राम क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एक्सॉन एंडिंग का या तो एक्सॉन बल्ब का डायग्राम है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने लॉन्जिट्यूडनली उसे डाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, पीछे से काटा है तो अंदर वाले पार्ट्स जो हैं वो एक्सपोज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इन वेसिकल्स के अंदर कुछ छोटे छोटे गोल गोल गोलाकार शेप में कुछ स्ट्रक्चरल थिंग्स दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। तो वो क्या है? वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते थे? केमिकल सब्सटेंसेस होते थे जो कि मैसेज पास ऑन करते थे आगे। ठीक है, तो इम्पल्स जैसे ही पहुंचेगा आपके एक्सॉन एंडिंग्स में या तो नर्व एंडिंग्स में, क्या हो जाएगा कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनका रिलीज हो जाएगा। कहाँ पर रिलीज होगा? सिनेप्स में रिलीज होगा। ठीक है, वहाँ पर रिलीज होते ही वो आगे फ्लो करता हुआ, डिफ्यूज करता हुआ कहाँ पहुँच गया? आपके अगले नर्व सेल के एक्सटर्नल बाउंड्री पे वहाँ पहुँचते। वहाँ पे क्या प्रेजेंट था? वहाँ पे प्रेजेंट था आपका रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैच करना। ठीक है, उन रिसेप्टर्स ने क्या किया? उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैच किया। न्यूरोट्रांसमीटर्स उस मैसेज को आगे ले गए और वो आगे पास हो गया। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है और आई होप कि आपको सारे फंक्शंस क्लियर है। ठीक है, तो आपका जो अगला पॉइंट है इसी के अंदर, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या है कि आपको इम्पल्स को आगे कंडक्ट करना है, आगे भेजना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल है। इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे?
देखिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है ट्रांस और जनरेशन ऑफ इम्पल्सिस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वेव्स, ठीक है। पहले एक न्यूरॉन के अंदर जो ट्रैवल हो रहा है ये इम्पल्स किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वेव्स के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वेव्स से। लेकिन जब इसे दूरी है थोड़ी और सिनेप्स क्रॉस करना है तो वहाँ पर किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो केमिकल्स, ठीक है। तो ये दो तरीके के चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर है सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब अगला हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक मतलब ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो हम उनके बारे में जानेंगे और किन किन के बारे में हमें पढ़ना है उनके नाम के बारे में जानेंगे, ठीक है। मेनली कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर में हमारे लिए रेलिवेंट और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अगर अपने दिमाग में विजुअलाइज करें, कितने एनिमल्स आपके दिमाग में आते हैं, आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि छोटे छोटे कॉकरोचेस आ सकते हैं, आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंढक आ सकता है, आपके दिमाग में ऐसा भी हो सकता है कि एक अर्थवर्म आ सकता है, आपके दिमाग में ये भी हो सकता है कि मैम आप एक ह्यूमन बींग को कैसे नहीं इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आपके दिमाग में एक स्पॉन्ज भी आ रहा हो, ठीक है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉरीफेरा, ठीक है। तो आपका जो एनिमल किंगडम है, हमने जो पढ़ा है लास्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, तो आपका जो एनिमल किंगडम है दैट इज़ वेरी वास्ट एंड दैट इज़ वेरी डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस किंगडम के अंदर, ठीक है। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर बात करी थी कि अगर हम सभी ऑर्गेनिजम्स को एक ही के अंदर डाल के बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए किस चीज़ की ज़रूरत आ गई, इस चीज़ की ज़रूरत आ गई कि हमने इन्हें क्लासिफाई किया, हमने एनिमल किंगडम को स्पेसिफिकली क्लासिफाई किया इनटू 10 फाइलास, ठीक है। 10 फाइलास में जो सबसे नीचे की तरफ है, इसी में हाथी भी आ जाएगा, इसी में वॉर्म्स भी आ जाएंगे, इसी के अंदर कॉकरोच भी आ जाएगा, फ्रॉग भी आ जाएगा, अर्थवर्म भी आ जाएगा, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, वेल्स भी आ जाएंगे एंड सो ऑन, बर्ड, सारा कुछ, सब कुछ इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे किया है क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन कैसे किया है कि जो सबसे पहला वाला है वो सबसे कम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ प्रोग्रेस करेंगे तो सबसे हायर वाला सबसे अंत में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने क्लासिफाई किया है एनिमल किंगडम को इनटू 10 फाइलास, नेमली सबसे पहला है आपका पॉरीफेरा, सेकंड इज योर सिलेंट्राटा, नेक्स्ट कम्स योर प्लैटीहेलमिंथस, द नेक्स्ट वन इज योर नीमेटोडा, फर्दर विल टॉक अबाउट योर एनिलिडा, नेक्स्ट इज योर आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट कम्स योर मोलस्का, नेक्स्ट कम्स द इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट इज़ द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ योर हेमीकॉर्डाटा, और फाइनली आता है आपका कॉर्डाटा जिसके अंदर हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। तो हमने इन सभी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, और हमने सभी के बारे में बात कर ली है किस चैप्टर के अंदर, एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। तो अगर अब हम कोशिश करें समझने की एनाटमी और मॉर्फोलॉजी, एनाटमी बनावट, मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर, सारा कुछ, ठीक है। एनाटमी मॉर्फोलॉजी में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं सबको जानने की कोशिश करते हैं, अगर हम इतने सारों को हम ये समझने बैठ जाएं, ठीक है, तो इट विल बी वेरी ट्रबल्सम, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लिया तो हम कॉर्डेट्स के बारे में, मतलब ह्यूमंस के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे एनिमल्स को लेना होगा जो कि आपके एनसीईआरटी और आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तीन ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट किया, दैट इज़ योर अर्थवर्म, नेक्स्ट इज़ योर कॉकरोच एंड द लास्ट वन इज़ योर फ्रॉग, ठीक है। इन तीनों के बारे में, ठीक है, इन तीनों की एनाटमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं विथ योर अर्थवर्म, अर्थवर्म के एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टडी वेल एंड थैंक यू वेरी मच।